हेलो फ्रेंड्स, अगर आज हम इतना आगे पहुंच पाए हैं तो वो बड़े बड़े साइंटिस्ट का ही देन है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सर आइजैक न्यूटन के बारे में। ये बात तब की है जब सर आइजैक न्यूटन अपने लैब में थे और उन्होंने देखा कि एक साइड से एक होल में से प्रकाश की किरणें आ रही हैं। तो उन्होंने सिंपली एक प्रिज्म लिया और उन प्रकाश की किरणों के पास रख दिया। अब वो किरणें सूरज की थी, तो जब वो प्रिज्म से होकर जाती हैं तो वो 7 कलर में स्प्रेड हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखने के बाद आइजैक न्यूटन के दिमाग में एक सवाल आया कि अगर मैं दूसरा प्रिज्म लगाऊं तो क्या इनमें से भी बहुत सारे कलर्स निकलेंगे। तो ये करने के लिए न्यूटन ने एक दूसरा प्रिज्म लिया और उन 7 कलर के सामने लगा दिया। फ्रेंड्स, उसके बाद जब वो 7 कलर दूसरे प्रिज्म से होकर जाते हैं तो वो फिर सन की किरण की ही तरह वापस निकल जाते हैं, यानी वो एक व्हाइट कलर में ही। आप बता सकते हैं कि सबसे पहले टेलीस्कोप किसने बनाया था? आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि गैलीलियो गैलीली, लेकिन फ्रेंड्स मैं आप सभी को बता दूं कि उनसे भी पहले अगर कोई टेलीस्कोप बनाया था तो वो है हैंस लिपर्सी। तो फ्रेंड्स, हुआ कुछ यूं कि हैंस लिपर्सी जो कि एक लेंस बनाने का काम करते थे, तो एक दिन उनके खुराफाती बेटे ने सभी लेंसेज को आपस में लगाकर और आंख के पास लगा के देखा, तो उसने देखा कि दूर की चीजें और भी पास दिखाई दे रही हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ये देखते ही वो डर गया और डरते डरते ही अपने पापा को ये बात बताई। तो उसके पापा ने भी ये किया और उन्होंने भी देखा कि इससे दूर की चीजें और भी पास दिखाई दे रही हैं। तो वे बहुत खुश हो गए और बोले कि हाँ, हमने कुछ नया खोज दिखाया है, और उन्होंने इसका नाम लुकर यानी कि देखने वाला रखा। लेकिन फ्रेंड्स, हम आप सभी को बता दें कि वो टेलीस्कोप सिर्फ 3 गुना बड़ा करके कोई भी चीज दिखा सकता था। तो हेलो फ्रेंड्स, आप सब ये तो जरूर जानते होंगे कि लाइट का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। तो फ्रेंड्स, उन्होंने और भी कई सारे इनोवेशंस किए हैं, तो चलिए मैं आपको उनके नाम बताता हूँ। फ्रेंड्स, उन्होंने लगभग 2000 डिवाइसेस को बनाया है और उन्होंने ही स्विच, सॉकेट और हमारे घर पे जो फ्यूज लगे होते हैं और जिनसे होकर की इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में आती है यानी कि मीटर, वो भी सबसे पहले उन्होंने ही बनाया था। तो फ्रेंड्स, हम आप सभी को बता दें कि दुनिया का सबसे पहला पावर प्लांट अगर किसी के पास था तो वो थॉमस अल्वा एडिसन जी के ही पास था, जो कि अमेरिका में न्यूयॉर्क सिटी में 1882 में बना था। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे ही साइंस के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।